हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक के बारे में बात की, हमने बात की कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको सोल्व कर सकते हैं और जो उसका सोल्यूशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें ये जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 6 पार्ट यहाँ पे है हमारे पास, इनको हमें सोल्व करना है। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखते हैं कि करके सबको देखते हैं हम कि इसमें हमें किस तरह से इनको सोल्व करें। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि हमने बात की थी कि भी आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दें, या फर्स्ट से वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दें, या सेकंड से एक्स की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दें, या सेकंड से वाई की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दें। बेहतर होगा कि हम उसको चूज करें जिसका कोफिशियंट 1 है। और यहां पर देखो, एक्स का कोफिशियंट भी 1 है, वाई का कोफिशियंट भी 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट भी 1 है, y का -1 है, तो 1 और -1 से भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, हम इजी रहेगा क्वेश्चन हमारा। कंपैटिबली कुछ और होता है 2, 3, 4 कुछ भी, उसकी कंपैटिबली तो -1 भी चल जाएगा, क्योंकि हम -y को इधर ले आएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, तो उस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहां से आप चारों मेथड में से, चारों तरह से किसी भी तरीके से आप चल सकते हो, क्योंकि सभी में हमारे पास जो कोफिशियंट है वो 1 या -1 ही है, तो कोई ज्यादा से बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो हम सिंपल तरीके से चलते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, फर्स्ट से निकालिए तो 2 में पुट कर दी, 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जब इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये 14 माइनस वाई और माइनस वाई दैट इज 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y, माइनस वाई और y माइनस 2y हो गए थे, ये 14 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 14, माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 10, 4 माइनस 14 तो माइनस की 10 रह जाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू 10, माइनस दोनों साइड से हम कैंसिल कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 5, 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किसमें पुट करें, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, अब y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो x आ गया हमारे पास 9 और y आ गया 5, तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों इसका आंसर है। अब इसकी वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, अब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो हम वेरिफिकेशन वैसे ही कर लेते हैं, x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5 पुट करना है, 9 प्लस 5 14 हो गए, 9 माइनस 5 4, बिल्कुल सही है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने वेरिफिकेशन कर ली। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 1, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और एक क्वेश्चन को कई तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हम हमारे पास है एस, अब की बार वेरिएबल एस और टी है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और एक है s डिवाइड बाय 3 प्लस t डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर में आ रहे हैं टर्म्स, टर्म्स क्या है, बटे में आ रही है,
तो पहले इसके जो बटे में से इसको खत्म कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको खत्म कर लेते हैं। इसका देखो यहां से एलसीएम कितना बनेगा, सिक्स बनेगा, तो हम इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे से खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय सिक्स, सिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट। तो जब हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू एस डिवाइड बाई थ्री प्लस सिक्स इंटू टी डिवाइड बाई टू, दैट इज सिक्स इंटू सिक्स। आप सीधा ही करना चाहे तो सीधा कर सकते हैं, तो यहां से थ्री वन ये टू, तो टू एस प्लस यहां से कैंसिल करेंगे तो थ्री, थ्री टी दैट इज इक्वल टू 36। तो आप इसको टू मान लें। अब देखो इसमें और इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इनको हम सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए देखो आपके पास यहां देखो एस का भी कोएफिशिएंट ना माने तो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एस हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी, एस की वैल्यू ये माइनस का टी इधर आ गया प्लस का टी हो गया। नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू, अगर आप इसको टू मान लेते हो तो इसको थ्री मान देंगे, तो यहां पे थ्री लिख देंगे आप। तो अब आप देखेंगे टू एस प्लस थ्री टी दैट इज इक्वल टू 36। अब एस की वैल्यू रख दो, टू मल्टीप्लाइड बाय एस की वैल्यू है थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी दैट इज इक्वल टू 36। सिक्स प्लस टू टी, सिक्स प्लस टू की होती है टू टी प्लस थ्री टी दैट इज इक्वल टू 36। सिक्स प्लस फाइव टी दैट इज इक्वल टू 36। फाइव टी दैट इज इक्वल टू 36 माइनस सिक्स, फाइव टी दैट इज इक्वल टू 30 और टी इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5, वन पे सिक्स पे, तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिक्स, टी हमारे पास सिक्स आ गया। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन वन पे, अब हम लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, फर्स्ट की बजाय तो ज्यादा बेटर है कि इसमें पुट करें, क्योंकि सीधी वैल्यू आएगी इन किसमें एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी के फर्स्ट में की बजाय, यहां पे और ज्यादा आसान रहेगा हमारे पास काम। एस इज इक्वल टू थ्री प्लस टी की वैल्यू है हमारे पास सिक्स, तो नाइन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एस की वैल्यू तो आ गई नाइन और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास सिक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखो एस माइनस टी थ्री है, एस की वैल्यू नाइन है, नाइन माइनस सिक्स कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, यानी कि सही है। एक को चेक करना है तो एक को चेक कर लो, दोनों को चेक करना है तो दोनों को चेक कर लो, चलो एस नाइन है, नाइन डिवाइड बाय थ्री थ्री आएगा, और टी सिक्स है, सिक्स डिवाइड बाय टू तो थ्री आएगा, थ्री और थ्री कितने हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे, यानी कि सही है। अब यहां पे एक बात नोट करने वाली है, जब आपने एस की ये वैल्यू निकल ली तो आप चाहे तो एस की ये वैल्यू यहां पर भी पुट कर सकते हैं, एस की जो वैल्यू है यहां पर आपने क्या किया इसमें पुट किया है, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहां पे भी पुट कर सकते हैं। यहां पे पुट करने से क्या होगा देखो, देख लेते हैं, एस की वैल्यू है थ्री प्लस टी डिवाइड बाय थ्री प्लस टी डिवाइड बाय टू दैट इज इक्वल टू सिक्स, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इस पार्ट का ले लेते हैं सिक्स, यहां तो सिक्स ऐसे रह लेते हैं, यहां इसके इसके साथ हो जाएगा सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी, अब ये हो गया सिक्स प्लस फाइव टी डिवाइड बाय सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स प्लस फाइव टी दैट इज इक्वल टू 36। देखो सिक्स प्लस फाइव टी दैट इज इक्वल टू 36, तो वही आ जाएगा आगे। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहां एलसीएम हमने पहले ले लिया, जो एलसीएम था उससे मल्टीप्लाई कर दी थी, इसका मतलब एलसीएम पहले लिया गया, और यहां पर हमने ये काम बाद में किया। आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये बना है ना अब आपके पास, अब इसका एलसीएम सिक्स है तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स से करेंगे तो टू रह जाएगा, टू की इसके साथ होगी सिक्स प्लस टू टी, इसको सिक्स से करेंगे तो टू कट जाएगा थ्री आ जाएगा, ये थ्री टी दैट इज सिक्स, इसको देखो आप और यहां पे इसको देखो, इस टर्म को देखो, यही तो है सिक्स प्लस टू टी प्लस थ्री टी दैट इज इक्वल टू, सॉरी क्योंकि सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो जाएगा,
तो यहाँ पे 36, तो यहीं पे पहुंच गए। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या किया था, जो फ्रैक्शन है, जो बटा है, उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले ही 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया था। आप चाहे तो इसको सिंपल ऐसे करके भी इसको सोल्व कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया था, 6 लिखने से आंसर गलत हो जाएगा, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू गलत हो जाएगी, टी की वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी तो एस की वैल्यू भी रॉन्ग हो जाएगी, तो हमारा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से सोल्यूशन निकालने के बाद उसको इसके अंदर पुट कर लेना चाहिए, इससे अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई है हमसे तो वो ठीक की जा सकती है, उसका हमें पता चल जाता है कि कोई मिस्टेक इसमें हुई है। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3x, थोड़ा हाँ चेंज है इस क्वेश्चन में। अब देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 1 है, और 9x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 9, और ये 2 है। मैंने आपको बताया था x का कोएफिशिएंट 1 हो या y का कोएफिशिएंट 1 हो, वो इक्वेशन 1 में हो या इक्वेशन 2 में हो, सोल्व कर लो आप, उसके लिए सोल्व करो, उसकी वैल्यू निकाल लो। अब आप देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है, लेकिन अगर हम x को इधर ले आएंगे तो y माइनस का बचेगा, तो हम y को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x, इसको इधर ले आए, 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 3 किसके इक्वल है, y के, या फिर y किसके इक्वल है, या फिर y किसके इक्वल है, 3x माइनस 3। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस वाई को यहीं छोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 3x, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, y की वैल्यू साइन चेंज कर देते, इनके भी करने पड़ेंगे, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस के 3x हो जाएंगे, ये बना। मैंने क्या किया, इसको ऐसे नहीं किया, y को तो मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, क्योंकि y की तो वैल्यू निकालनी थी, तो ये y इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y, इसको इधर ले आया तो y हो गया, y की वैल्यू चाहिए थी तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3x माइनस 3, याद रखो y की वैल्यू माइनस 3, ये माइनस 3 रहा, प्लस का 3x रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, y को इधर जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो 3x ये इधर ही है, ये इधर आते माइनस 3 दैट इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दी 9x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकी सभी से, ये अभी आप देखेंगे, यहाँ पे 9x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9x। अब देखो बाहर माइनस है, 3 की 3x के साथ करेंगे तो 9x माइनस का 9x बनेगा, 3 की माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस 9, और ये माइनस भी है तो प्लस का 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9, 9x को 9x के साथ कट गया, तो 9 इज इक्वल टू 9, वैल्यू तो मिली नहीं कोई, जैसे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बेसिक जो मिली, तो यहां से 9 तो 9 के हमेशा इक्वल होता है, विच इज ट्रू ऑलवेज, विच इज ट्रू ऑलवेज, तो ये हमेशा ट्रू है, इसका मतलब इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर x सारे कट जाए, यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट कट जाए, तो अगर इक्वल आ जाए ये टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर ये इक्वल ना आए तो फिर नो सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे गिवन बाय
दो तरीके हैं आपके पास, या तो x की जगह पे k पुट कर लो और y की वैल्यू k की फॉर्म में निकाल लो, या सीधी y की वैल्यू निकाल लो गिवन बाय, कैसे यहां पे आ जाओ गिवन बाय, सीधा ये जो y की वैल्यू निकाल लो भाई, गिवन बाय y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इससे गिवन है वेयर यहां पर लिखो कि बाय डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई एंड हैंस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। इसका मीनिंग बता देता हूं दोबारा से, यहां पे क्या कहा गया है कि यहां से ट्रू आ गया, ये तो हमेशा सही होता है, यानी कि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। कहां से आए? इससे आए हमारे पास गिवन बाय दिस। तो यहां पर हमने लिख दिया कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी बदलती रहेगी, तो एक्स की वैल्यू बदलेगी तो वाई की वैल्यू भी बदलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू बदलेगी तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो ये बात यहां पर कही गई है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड, आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर है हमारे पास, इसमें हमें हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y दैट इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन वन है, और दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y दैट इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन टू है। अब ये पॉइंट का चक्कर खत्म करना चाहो तो पॉइंट का चक्कर खत्म कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 10x है, और ये 3 डिवाइड बाय 10y है, और ये 13 डिवाइड बाय 10 है, ये हमारे पास 4 डिवाइड बाय 10 है, ये 5 डिवाइड बाय 10 है, और ये हमारे पास 23 डिवाइड बाय 10 है। अब इसका एलसीएम बनता है 10, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कट गया, ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको 3 मान लो। इसी तरह से अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा कि एक्स भी और वाई भी था, एक्स और वाई भी, 4 डिवाइड बाय 10, तो ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये 4। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमने पॉइंट खत्म कर दिया। आप पॉइंट के लिए करना चाहो तो पॉइंट के लिए भी रख सकते हो, लेकिन हमने सिंपल इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, पॉइंट खत्म कर दिया, हमने यहां से पहुंच गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ये x की वैल्यू है, इसके अंदर पुट करेंगे हम, ये हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 4 इंटू x, x है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 23। अब देखो जो बटे में आता है उससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये पहले ही कट गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बने 2 की 13 के साथ करेंगे 26, 2 की माइनस 3 के साथ करेंगे -6y + 5y = 23, 26 माइनस
वाई, माइनस के 6y और प्लस का y, तो माइनस का y बच गया, दैट इज इक्वल टू 23। तो यहां से यहीं पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू, नहीं रिप्लाइज माइनस y इज इक्वल टू, ये तो इधर ही है, ये इधर आएगा, तो 23 माइनस 26। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस y, दैट इज इक्वल टू माइनस 3, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3, माइनस कैंसिल कर लिया हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। या फिर हम यहां पे कर देते हैं, हमारे पास क्या था, ये 26 माइनस y इज इक्वल टू 3, दोबारा से कर लेते हैं, यहां आपको कंफ्यूजन लगे तो माइनस y इज इक्वल टू, ये 23 है, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, रख देते x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2, x इज 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, x इज 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में कहीं भी पुट करके एक बार चेक जरूर कर लें, x 2, 2 की 2 के साथ करेंगे 4, y 3, 3 की 3 के साथ 9, 4 और 9 13 सही है। इसमें देखते हैं x 2, 2 की 4 के साथ 8, y 3, 15, 8 और 15 23, तो ये हमारे पास इसका आंसर, तो ये हो गया पार्ट 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ, पार्ट 5 है हमारे पास, इसमें कहा गया है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0, 1, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई दैट इज 0, 2। तो ये रूट वगैरह देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कोएफिशिएंट तो किसी का भी 1 नहीं है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट टू, रूट टू एक्स दैट इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि तो 0 ही है, माइनस रूट थ्री वाई, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई डिवाइड बाई रूट, एक्स की वैल्यू आ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट कर देते, इक्वेशन टू है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई दैट इज 0, रूट थ्री इंटू एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री वाई डिवाइड बाई रूट टू, ये एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दी, माइनस रूट एट वाई दैट इज 0, रूट थ्री की रूट थ्री के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई रूट टू हो गया, रूट थ्री की रूट थ्री के साथ करेंगे तो 3 बन जाएगा, माइनस लगा दिया वाई और रूट टू है, माइनस एट रूट एट वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे एलसीएम ले लिया, कितना आ गया रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट एट की रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट ए और रूट बी, इसको हम रूट ए बी लिख सकते हैं, ए के रूट में डाल सकते हैं, तो ये रूट एट इंटू टू हो जाएगा, तो ये रूट 16 हो जाएगा, रूट 16 कितना होता है 4 हो जाता है, तो यहां से तो हमारे पास ये गड़बड़ कर दी हमने, रूट टू इसका एलसीएम डाल देंगे तो हमारे पास माइनस थ्री वाई ही आएगा, ये तो हमारे पास माइनस थ्री वाई है, और इसकी जब हमने की तो ये हमारे पास कितना आ गया 4y आ गया, क्योंकि यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई करके रूट 16 से 4 मिल गया हमें, तो ये 4y दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई
कितना हो गया माइनस सेवन वाई दैट इज माइनस सेवन डिवाइड बाय रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो खत्म, माइनस सेवन वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, तो वाई भी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो वाई क्योंकि माइनस सेवन तो जीरो हो नहीं सकता, माइनस सेवन की और वाई की मल्टीप्लाई जीरो है, तो माइनस सेवन तो जीरो है नहीं, इसका मतलब वाई जीरो होगा, वाई की वैल्यू जीरो है। हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इन, इसमें रख दो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई डिवाइड बाय रूट टू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय वाई की वैल्यू जीरो डिवाइड बाय रूट टू, तो ये तो जीरो ही हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक कर ले, एक्स की जगह पे जीरो तो सारा कुछ जीरो, वाई की जगह पे जीरो तो सारा कुछ जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो सही है, या एक्स की जगह पे जीरो तो सारा कुछ जीरो जीरो, ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो तो जीरो, तो सही है इसका मतलब, एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है थ्री एक्स डिवाइड बाई टू माइनस फाइव वाई डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस वाई डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू थर्टीन डिवाइड बाई सिक्स। तो इससे डिवाइड में देख के घबराने की जरूरत नहीं, आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे, इसका एलसीएम सिक्स बनता है, इसका भी सिक्स बनता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका अलग अलग बने, तो जो भी इनका एलसीएम बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दे। यहां पे हम लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय सिक्स वी गेट, सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये थ्री एक्स डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स और माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स, यहां से कैंसिल किया तो थ्री आ गया, यहां से कैंसिल किया तो टू आ गया, तो ये हो गया नाइन एक्स माइनस टेन वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, इसको थ्री मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से मल्टीप्लाइंग बाय सिक्स वी गेट, इसको भी हम सिक्स से कर लेते हैं, एक्स डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स वाई डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स थर्टीन डिवाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स, यहां से टू यहां से थ्री, तो ये 2x प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू थर्टीन, ये 4। अब देखो कोएफिशिएंट किसी का भी 1 नहीं है, कोएफिशिएंट यहां किसका भी नहीं है, इसका भी 1 नहीं है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम यही से निकाल लेते हैं नाइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई और x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई डिवाइड बाय नाइन, तो ये y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है यहां पे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फोर, जो ये एक्स की वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो टू इंटू एक्स है हमारे पास माइनस ट्वेल्व प्लस टेन वाई डिवाइड बाय नाइन प्लस, इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई, ये तो है ही हमारे पास दैट इज इक्वल टू 30। अब देखो डिवाइड में 9 आ रहा है, इससे नहीं कटता, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से कट जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9 वी गेट, कट गया यहां 2 रहेगा, 2 किस तरह मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस के 24 हो जाएगा क्योंकि 9 तो कट गया, माइनस के 24 प्लस 20y, इसकी 9 के साथ होगी तो 27y, इसकी 9 के साथ होगी तो 117, रिपीट करो क्योंकि हम इसकी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 कट गया लेकिन 2 से तो इसकी करनी पड़ेगी, 2 तो बच रहा है, तो माइनस के 24 और प्लस के 20y, इसकी 9 के साथ की तो 27y, इसकी 9 के साथ की तो ये आंसर, यहां पर लिख लेते हैं माइनस 24 प्लस 47y, माइनस 24 प्लस 47y दैट इज इक्वल टू 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इज इक्वल टू 141 आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47, 3 पे 47 1 और ये 3 पे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3।
अब हम कर लेते हैं आगे इसको सॉल्व। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन, वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, इन एक्स इज इक्वल टू -12 + 10y/9। एक्स इज इक्वल टू -12 + 10 × y 3/9। एक्स इज इक्वल टू -12 + 30/9। एक्स इज इक्वल टू 18/9। एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। वेरिफिकेशन करो, एक्स की 3 में पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 18, वाई की वैल्यू 3 30 माइनस के 18 माइनस 30 माइनस के 12 सही है। इसमें रख के देख लो, एक्स की वैल्यू 2 4 हो जाएंगे, वाई की वैल्यू 3 9 हो जाएंगे, 4 और 9 13। इसमें रख के देख लो क्वेश्चन, इसमें रख के देख लो या उसमें रख के देख लो, एक्स की वैल्यू 2 2/2 कट जाएगा 3 आ गया, वाई की जगह पे 3 के साथ 3 कट गया, माइनस का 5 आ गया, 3 - 5 कितना आ गया -2। इसमें भी रखोगे तो इसी तरह से ये भी इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप जब भी कोई क्वेश्चन करें लीनियर इक्वेशन का, तो किसी भी मेथड से करें, तो आप अपने आंसर की जांच जरूर कर लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसमें परफेक्शन मिलेगी और उतने ही गलती के चांस आपके कम होते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।